हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है रूप और पसंद की कहानी। ये कहानी दो राजकुमारों की है, तो चलते हैं कहानी सुनने। एक राज्य में एक राजा राज करते थे। वे अपनी पत्नी मधुमती और दो बेटों बसंत और रूप के साथ रहते थे। राजा रानी के दोनों बेटे अभी बहुत छोटे थे और देखने में भी बहुत प्यारे थे। एक दिन रानी बाग में बैठी थी कि अचानक उनकी नज़र एक घोंसले पर पड़ी। उस घोंसले में चिड़िया के दो छोटे छोटे बच्चे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी और चिड़िया अपने बच्चों को बचाने की कोशिश में संतुलन खो बैठी और नीचे गिरकर मर गई। रानी बाग में बैठी ये सब देख रही थी और रानी को बहुत दुख हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी ना कर सकी। और उसने सोचा, चिड़िया तो मर गई, अब बेचारा चिड़ा अकेला कैसे इन बच्चों को पालेगा। अब रानी रोज आकर उन बच्चों को देखती और पाती के चिड़ा बेचारा बहुत दुखी रहता और सोचता रहता कि चारा लेने जाए या इन बच्चों का ध्यान रखे, अकेला करता भी क्या वो। एक दिन दुखी होकर चिड़े ने दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चों को माँ का प्यार मिल सके और उनका ध्यान रखने के लिए भी कोई हो। ये सब कुछ वहाँ बैठी रानी देख रही थी, लेकिन दूसरी माँ तो चिड़े के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। जब बच्चों को भूख लगती तो वो ची ची करके खाना मांगते, लेकिन सौतेली माँ उनको खाना भी नहीं देती थी। एक दिन बच्चों को बहुत भूख लगी और वो ची ची करके चिल्लाने लगे। भूख के मारे तड़प गए थे दोनों। तब उनकी सौतेली माँ ने खाना मांगने पर बबूल का कांटा लेकर दोनों बच्चों के मुंह में डाल दिया। वे कांटा उनके गले में फंस गया और दोनों बच्चे तड़प तड़प कर पेड़ से नीचे गिर गए। रानी ये सब कुछ देख रही थी। उसने तुरंत उन बच्चों को उठाया और उनके गले से बबूल का कांटा निकालने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो ना निकाल सकी और उसके हाथों में ही दोनों बच्चों ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। चिड़िया के परिवार का इस प्रकार नष्ट हो जाना उस रानी के मन में घात कर गया। वे बहुत दुखी रहने लगी, हर वक्त सोचने लगी कि ये अचानक से क्या हो गया। उन बच्चों के बारे में सोचने लगी, उस चिड़िया के बारे में सोचने लगी और उस चिड़िया के ख्यालों में भी रहने लगी। और ये सोचते सोचते रानी अपने बारे में सोचने लगी कि कल के दिन अगर मुझे कुछ हो गया और राजा ने दूसरी शादी कर ली तो क्या मेरे बच्चों का भी यही हश्र होगा। इसका प्रभाव ये पड़ा कि रानी बीमार रहने लगी और इस हद तक बीमार रहने लगी कि एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। अब राजा सोचने लगा कि बच्चे तो अभी बहुत छोटे हैं, मैं राजपाट संभालूं या बच्चों को। ये सोचकर राजा ने भी दूसरी शादी कर ली ताकि बच्चों को संभालने के लिए कोई हो। लेकिन दूसरी रानी देखने में तो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मन की तो वो भी मैली ही निकली। राजा के बेटों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। एक दिन राजा का छोटा बेटा रूप बॉल के साथ आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते उसका बॉल दूसरी रानी के कक्ष में चला गया। रूप दूसरी रानी के पास आया और कहने लगा, माता श्री, मुझे मेरा बॉल दे दीजिए, खेलते समय आपके कक्ष में गिर गया। दूसरी रानी ने कहा, बॉल तो मैं दे दूं, लेकिन तुम भाई जब तक मेरी बात नहीं मानोगे मैं बॉल नहीं दूंगी। इतने में बड़ा भाई बसंत भी वहां आ गया। दूसरी रानी ने कहा, बॉल दे दूंगी, परंतु तुम दोनों को दूर जंगल में जाकर खेलना होगा, यहाँ आंगन में नहीं। दोनों बेटे जंगल की ओर चल पड़े। दूसरी रानी ने अपने गुप्तचरों और तांत्रिकों को उनके पीछे भेज दिया और उन्हें आदेश दिया कि एक की जान अस्तबल में पड़े राजा के प्रिय घोड़े के सोने के खूंटे में डाल दो और दूसरे की जान पास की नदी में उगे कमल के फूल में डाल दो। तांत्रिकों ने मंत्रों का उच्चारण करके दूसरी रानी की आज्ञा का पालन किया। शाम को जब राजा अपने बेटों को मिलने उनके कक्ष में गया, तब अपने बेटों को वहाँ ना पाकर वे सकपका गया। राजा ने
दूसरी रानी से पूछा कि क्या मेरे बेटे यहाँ आए थे, तो रानी ने मना कर दिया। तो राजा ने अपने सिपाहियों और मंत्री को पूरे राज्य में अपने बेटों को ढूंढने के लिए भेज दिया, लेकिन राजा के बेटे कहीं नहीं मिले। राजा उदास रहने लगा। जब भी कोई जल पीने नदी के किनारे जाता तो कमल के फूल में से आवाज़ आती, मैं बसंत हूँ पिताजी, यहाँ आ जाइए, मुझे यहाँ से निकाल लीजिए। परंतु उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता। इसी प्रकार जब भी कोई अस्तबल में जाता तो रूप भी उस खोटे में से रोते हुए कहता, पिताजी आ जाइए, मैं रूप हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए ना। एक दिन राजा ने खूंटे से बंधे अपने प्रिय घोड़े को निकालने के लिए कहा, लेकिन कोई सिपाही मंत्री कोई भी उस खूंटे को खोल ना पाया। ऐसे में राजा ने खुद अस्तबल में जाने का फैसला लिया और कहा, आज अस्तबल में मैं खुद जाकर उस खूंटे से अपना प्रिय घोड़ा खोलूँगा। जब राजा अस्तबल पहुँचा तो हमेशा की तरह इस बार भी खूंटे से आवाज़ आई, पिताजी मैं रूप हूँ, मुझे बचा लीजिए। ये आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती थी, लेकिन राजा को सुन गई। राजा ने पूछा, बेटा कहाँ हो तुम? उसने कहा कि पिताजी इस खूंटे में हूँ, इस खूंटे को खींच दीजिए, मैं इंसानी रूप में आ जाऊँगा। राजा ने ऐसा ही किया और राजा का छोटा बेटा रूप प्रकट हो गया और उसने बताया कि भैया नदी के कमल के फूल के अंदर है। और राजा सिपाहियों मंत्रियों और अपने बेटे रूप को लेकर वहां पहुंचा जहां उसका बड़ा बेटा बसंत था। कमल के फूल से आवाज आई, पिताजी मैं बसंत, मुझे बचा लीजिए, इस कमल की पंखड़ी तोड़ दीजिए, इसकी एक पंखड़ी तोड़ते ही मैं बाहर आ जाऊंगा। राजा ने अपने बेटे की आवाज़ सुनी, उसकी आंखें भर आईं और जल्दी से उसने कमल की एक पंखड़ी तोड़ दी और बसंत बाहर आ गया। राजा ने अपने दोनों पुत्रों को गले लगा लिया और पूछा, तुम्हारी इस हालत के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? बेटों ने बताया, ये सब दूसरी माँ ने किया है। तब राजा घर आकर रानी को मारने लगा। राजा ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, रानी को जान से मार दिया जाए। तब दोनों बेटों ने कहा, ये जैसी भी हैं हमारी माँ हैं, अगर हम भी इनके जैसी सोच रखकर मार कटाई करेंगे तो इनमें और हम में अंतर ही क्या रहेगा। ऐसा कहने पर राजा ने रानी को मारा नहीं और दूसरी रानी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने अपनी गलती के लिए राजा और अपने दोनों बेटों से माफ़ी मांगी। इस प्रकार सभी खुशी खुशी रहने लगे। तो इस प्रकार ये कहानी ख़त्म होती है। क्या सीखने को मिला आपको इस कहानी से, ज़रूर बताइएगा।